हेलो एवरीवन आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ बायोलॉजी की चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के दो और न्यू टॉपिक्स और वो दो न्यू टॉपिक्स हैं प्लाजमोलिसिस एंड सेल डिविजन प्रीवियस लेक्चर्स में हम अब तक डिस्कस कर रहे थे सेल ऑर्गेनल्स को और देखा जाए तो हमने एक एक करके सारे ही सेल ऑर्गेनल्स को एकदम डिटेल में जा कर के डिस्कस कर लिया है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोजोम्स प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स इन सब के ऊपर हम बात कर चुके हैं तो अब बारी आती है अपने चैप्टर में और आगे बढ़ने की और आगे बढ़ कर के फाइनली इस चैप्टर को फिनिश करने की सो आज के इस लेक्चर में हम फाइनली बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट टू टॉपिक्स पर प्लाज्मोलिसिस एंड सेल डिविजन पर और इन दोनों ही टॉपिक्स को पढ़ करके आज हम अपने इस प्यारे से चैप्टर को फिनिश कर लेंगे और यही तो है हमारे आज के सेशन का टारगेट होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा तो अब एक काम करते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं अपने सेशन की शुरुआत सो दिस इज़ विभूति खरे वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आपसे भी की सक्सेस तो इसी अच्छी बात से हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन जहाँ पर हम बात करेंगे प्लाज्मोलिसिस की और सेल डिविज़न की ठीक है चलो फिर आज के सेशन की कहानी को शुरू किया जाए अच्छा कहानी की शुरुआत कहाँ से होगी कहानी की शुरुआत होगी सेल डिविज़न के साथ मतलब कि आज के इस सेशन में मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगी सेल डिवीजन और फिर पढ़ा दूंगी प्लाज्मोलिसिस ठीक है so, सो सेल डिवीजन अच्छा क्या आप सभी बच्चों को सेल थ्योरी याद है वही जो शील्डन और श्रैन ने दी थी और उस सेल थ्योरी को मॉडिफाई करने वाले साइंटिस्ट का नाम याद है रुडोल्फ वर्कआव उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सा स्टेटमेंट दिया था ओम सेलुला ए सेलुला और उस स्टेटमेंट को दे करके उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया था अच्छा इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है ओम सेलुला ए सेलुला इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो नए सेल्स हैं ना वो एक्चुअली प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आते हैं देखो हुआ क्या था जब सेल्स की डिस्कवरी uh, हो गई थी ना तो फिर जितने भी लोग थे ना उनके दिमाग में एक और सवाल आ रहा था इनफैक्ट ये सवाल उनको बहुत परेशान कर रहा था कि यार ये जो न्यू सेल्स हैं ये कहाँ से आते हैं क्या आसमान से टपकते हैं ज़मीन से उगते हैं या किसी मैजिकल तरीके से आ जाते हैं ये न्यू सेल्स आते कहाँ से इनका ओरिजिन क्या है तो फिर आए रूडॉल्फ वर्कआउ साहब उन्होंने कहा कि भाई और बहनों परेशान मत हो मुझे समझ में आ गया है कि नए सेल्स कहाँ से आते हैं उनका ओरिजिन क्या है तो सबने पूछा कि हाँ भाई अगर तुम्हें पता चल गया तो हमको भी बता दो तो उन्होंने बोला कि भाई जो सेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब कि जो पुराने सेल्स हैं उन्हीं से नए सेल्स पैदा होते हैं तो लोगों ने बोला कि ये कैसे पॉसिबल है कि जो सेल्स पहले से मतलब ये जो एग्ज़िस्ट कर रहे हैं मतलब जो पुराने वाले सेल्स हैं उन्हीं से नए सेल्स का आना ये कुछ पल्ले नहीं पड़ी बात तो रोडोल्फ वर्काव साहब ने समझाया कि देखो भाइयों और बहनों देखो जैसे कि सपोज ये एक सेल है ठीक है ये एक सेल है अब हुआ क्या इसने डिवाइड किया तो इसके डिवीजन से क्या हुआ दो नए सेल बन गए स्टार्टिंग में अपने पास कितने सेल्स थे अरे ये एक ही तो था इसने बोला कि नहीं भैया मैं तो डिवाइड करूँगा तो देखो दो नए सेल्स बन गए इनको अपन क्या बोलते हैं डॉटर सेल्स बोलते हैं प्यार से आगे जा कर के ये जो दो डॉटर सेल्स हैं देखो ये तो अभी छोटे हैं आगे जा कर के क्या होगा ये बड़े हो जाएंगे मतलब इनकी यू you नो know, ग्रोथ वगैरह हो जाएगी और कुछ समय बाद ये दोनों तो सेल्स भी आगे जाकर के डिवाइड कर देंगे तो इसके डिविज़न से क्या होगा दो नए सेल्स बन जाएंगे और जब ये डिवाइड करेगा तो इसके भी डिविज़न से क्या होगा दो नए सेल्स बन जाएंगे तो अल्टीमेटली देखो हमारे पास कितने नए सेल्स आ गए चार आ गए कि नहीं आ गए शुरुआत कहाँ से हुई थी एक सेल के साथ और अब देखो हमारे पास कितने नए सेल आ गए चार नए सेल आ गए कि नहीं आ गए ये चार नए सेल भी जब आगे जा कर के डिवाइड करेंगे तो और नए सेल्स बन जाएंगे जैसे कि इसने डिवाइड किया तो ये बन गए देखो दो और नए सेल इसने डिवाइड किया तो यहाँ पर देखो ये बन गए दो नए सेल इसने करा तो देखो और बन गए तो बेटा कुछ इस तरीके से जो ये सिलसिला है ना ये आप बोल सकते हो कि चलता ही रहता है और यही चीज सर रुडोल्फ वर्काउ सबको एक्सप्लेन करने की समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो जो नए सेल्स हैं ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आते हैं वो सेल्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं या आसान शब्दों में समझाया जाता जो पुराने वाले सेल्स हैं ना उन्हीं से पैदा होते हैं उन्हीं से आते हैं नए सेल्स आई बात समझ में चल और ये जो प्रक्रिया चल रही है बेटा है ना एक प्रक्रिया जिसके थ्रू पुराने वाले सेल से नए वाले सेल्स आ रहे हैं इस प्रक्रिया को इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं सेल डिविजन क्या बोलते हैं सेल डिविजन यहाँ पर क्या हो रहा है पर सेल डिविजन ये तो हो रहा है सेल डिवाइड कर रहे हैं ना तो सेल डिविज़न डिविज़न का मतलब क्या होता है कोई चीज़ बांटी जा रही है है ना तो सेल अपने आप को ही बांट रहे हैं बैठ करके तो सेल डिविज़न चलो अब सेल डिविजन के बच्चों दो टाइप्स होते हैं दो टाइप्स एक टाइप का नाम होता है माइटोसिस राइटिंग तुमको शायद मेरी यहाँ पर समझ में ना आए अच्छे से चलो एक टाइप का नाम होता है माइटोसिस और दूसरे टाइप का नाम होता है मियोसिस क्या नाम होता है मियोसिस ये दोनों टाइप्स हैं सेल डिवीजन के माइटोसिस एंड मियोसिस अब देखो यहाँ पर मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ बुरा मत मानना जो तुम्हारी एन बुक है वो माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है और अगर देखा जाए असलियत देखी जाए तो माइटोसिस एंड मियोसिस ये दोनों ही काफ़ी लंबी प्रोसेस होती हैं ठीक है और स्पेशली अगर मैं बात करूँ इस मीओसिस की बेटा ये म्योसिस तो बहुत बड़ी है माइटोसिस तो फिर भी छोटी प्रोसेस है मीओसिस तो बहुत बड़ी प्रोसेस है और अगर तुम टेंथ के बाद एलेवंथ ट्वेल्थ में बायोलॉजी लेते हो तो तुम्हें एलेवेंथ में जाकर के सेल डिविजन में माइटोसिस एंड मीओसिस को एक बार फिर से पढ़ना होगा और एकदम तबीयत से पढ़ना होगा क्योंकि नीट में बहुत अच्छे लेवल के सवाल आते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस से मैं मानती हूँ कि ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं थोड़ी सी लंबी हैं लेंदी हैं मियोसिस तो कुछ ज़्यादा ही लेंदी है लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई ना तो फिर आपके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रह जाती है ठीक है तो अब देखो बात वही है कि एन ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है और अगर इलेवंथ में तुमने बायोलॉजी ले लिया तो फिर तुमको लगेगा कि बापरे माइटोसिस एंड मियोसिस ये तो हम जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं नाइन्थ में तो कुछ पढ़ा ही नहीं था बस नाम जो है ना सुन कर के आगे आ गए थे टेंथ में तो दिक्कत ना हो आपको ज़्यादा इसीलिए आज के इस सेशन में मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बुक्स जा करके आउट ऑफ योर एन बुक जा कर के तुमको मैं थोड़ा यहाँ पर माइटोसिस एंड मियोसिस समझाना चाहती हूँ जैसे कि अपन ने राइबोसोम्स में देखा था कि एन केवल तीन सेंटेंसेस बोलती है राइबोसोम्स के बारे में तीन भी नहीं केवल दो बोलती है लेकिन फिर भी हमने राइबोसोम्स के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स पढ़े थे और जो पढ़े थे वो तुमको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे थे और तुम्हें समझ में भी आ गए थे है ना तो वैसे ही आज अपन माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में भी थोड़ा सा यू you नो know, बेसिक से पढ़ लेते हैं है ना जो एन बुक में लिखा है वो तो पढ़ना ही है वो यहाँ पर अपन रीड भी कर लेंगे एन बुक को लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा बुक के बाहर निकल करके मैं पढ़ाऊँगी तुम्हें माइटोसिस एन मीओसिस है ना और तुम्हें समझ में आएगा ये मत घबराना कि मैम बाप रे नहीं आ रहा समझ में अरे आएगा यार बिल्कुल आएगा घबराते क्यों मैं हूँ ना तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों माइटोसिस की और इसके बाद में हम देखेंगे मियोसिस को ठीक है आ जाओ यहाँ पर देखो हाँ, सबसे पहले आ जाओ बात करते हैं माइटोसिस की देखो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं बेटा हम तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ना हमारी बॉडी में तो बिलियन्स एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं राइट तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिविजन ही एग्जिबिट करते हैं आई रिपीट मैंने क्या बोला कि अधिकतर समय मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो माइटोसिस ही परफॉर्म करते हैं तो आप बोलोगे कि मैम फिर ये मियोसिस कब होगी तो जब गैमिट्स के फॉर्मेशन की बात आएगी बेटा जब ह्यूमन मेल की बॉडी में स्पर्म्स बनेंगे और जब ह्यूमन फीमेल्स की बॉडी में एग्स बनेंगे ओवा बनेंगे तब होगा ये मियोसिस तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो कि जब गैमीट फॉर्मेशन की बारी आती है जब गैमीट फॉर्मेशन की बारी आती है तो ही होगा मियोसिस, अदरवाइज तो बॉडी में क्या होगा बेटा माइटोसिस ही चलता रहता है माइटोसिस माइटोसिस कभी, कभी तुम लोगों ने अगर वो फेस वॉश वाले टीवी पर एड देखे हो कि ये वाला फेस वॉश ट्राई करिए इससे आपकी स्किन के सारे डेड सेल्स निकल जाएंगे कभी सुना है ऐसा नहीं सुना है तो आज के बाद जब भी टीवी देखोगे ना तो हमेशा जब भी फेस वॉश का ऐड आएगा ना ध्यान से कान लगा करके सुनना कि उसमें हमेशा बोला जाता है हर एक मतलब फेस वॉश के ऐड में ये चीज़ आपको जो है न सुनने और देखने को मिलेगी कि ये वाले फेस वॉश से आपके स्किन के सारे जो डेड सेल्स हैं वो निकल जाते हैं बेटा ये स्किन के डेड सेल्स निकलने का मतलब क्या है जो हमारी स्किन है वो भी सेल्स की बनी होती है अब देखो हर एक चीज़ की एक लाइफ होती है ना जैसे कि आप कोई भी खाने पीने का सामान लेकर के आते हो तो उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है उसकी भी एक शेल्फ लाइफ होती है कि सपोज़ आप एक दूध का पैकेट लेकर के आए हो है ना तो दो से तीन दिन के अंदर आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा इसके बाद में क्या होगा वो ख़राब हो जाएगा आप कोई भी एक्स वेजेड चीज़ लेकर के आते हो बेटा खाने पीने की तो उसकी क्या लिखा होता है उसके पैकेट पर उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है बेस्ट बिफोर लिखा होता है कि छः महीने के अंदर अंदर यूज़ कर वरना जो आपका प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाएगा फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते लाइक दैट है ना तो हर एक चीज़ की बेटा एक शेल्फ लाइफ होती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो स्किन के जो सेल्स हैं हमारे जो स्किन हैं जो स्किन है ना हमारी जो उसके सेल्स हैं हमारे स्किन सेल्स बेटा उनकी भी तो एक सर्टेन आप बोल सकते हो कि यू ना लाइफ होगी जैसे कि हमारी आर होती हैं है ना हमारी आर होती हैं रेड ब्लड सेल्स जिनके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण हमारा जो खून है वो रेड कलर का होता है तो वो जो हमारे बेटा आर है ना उनकी लाइफ स्पैन होती है वन ट्वेंटी डेज की आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है वन ट्वेंटी डेज की मतलब कि एक आरबीसी जो है ना बेटा वो केवल एक सौ बीस दिन तक जिंदा रह पाएगी एक जो रेड ब्लड सेल है वो केवल एक सौ बीस दिन तक जिंदा रह पाएगा इसके बाद में क्या होगा मर जाएगा आप बोलोगे कि हो मैम मर जाएंगे ऐसे तो सारे आरबीसी फिर क्या होगा अरे अगर पुराने वाले आर मर रहे हैं तो उनकी जगह नए आर भी तो आएंगे ना बेटा यही तो जीवन का बोल सकते हो कि एक सत्य है कि जो बूढ़ा है जो पुराना है वो मरेगा और उसकी जगह पे नया पैदा होगा है ना? तो आर का लाइफ स्पेंथ तुमको तो मैंने बताया 120 डेज़ का रहता है हर आर 120 दिन बाद मरता ही मरता है उसकी जगह पे फिर उसका एक नया रिप्लेसमेंट आ जाता है एक नया आर आ जाता है वैसे ही जो हमारी स्किन के बेटा जो सेल्स हैं है ना उनका भी कोई ना कोई लाइफ स्पैन जरूर होगा और उतना लाइफ स्पैन जी करके जो स्किन के सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं अब आप बोलोगे कि हाउ मैम स्किन के सेल्स मर जाएंगे तो मेरी स्किन का क्या होगा अरे अगर पुराने सेल्स मर रहे हैं तो उनकी जगह पे नए सेल्स भी तो आएंगे ना है ना और उन नए सेल्स को आ, उनके लिए जगह बनाने के लिए नए स्किन सेल्स के लिए क्या बोल रही हूं मैं नए स्किन सेल्स को जगह देने के लिए उनके लिए जगह बनाने के लिए क्या होता है जो पुराने जो डेड सेल्स हैं उनको निकालना पड़ता है ना तो वाकई में ऐसा होता है बेटा हमारे जो स्किन के जो डेड सेल्स हैं ना वो ऐसे झड़ते रहते हैं वो दिखते नहीं क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक है बाकी झड़ते रहते हैं वो जो फेस वॉश वाले ना वो एकदम उल्लू बनाते हैं कि अरे डेड सेल डेड जो सेल्स हैं वो निकल जाएंगे अरे वैसे भी निकलते हैं भाई सिंपल पानी से धोगे तो भी निकल जाएंगे अलग से खोदने की या खुरदने की ज़रूरत नहीं होती है उसको ठीक है ना पर वो एक अलग तरीका है बेटा अपने प्रोडक्ट को जो है बेहतर बताने का तो हाँ बात ये है कि जैसे हमारे स्किन के जो आ, सेल्स हैं है ना अपनी एक सर्टेन लाइफ स्पैन को जीने के बाद क्या होता है मर जाते हैं उनकी जगह पर नए स्किन सेल्स आ जाते हैं तो कैसे आ जाते हैं अभी अभी तुमको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा कि सपोज़ ये हमारा एक बॉडी सेल है ये डिवाइड करेगा दो नए सेल बन जाएंगे तो कुछ उसी तरीके से मान लो कि हमारे ये एक स्किन सेल है इसने डिवाइड किया बन गए क्या दो नए स्किन सेल्स मतलब ये बूढ़ा पुराना स्किन सेल था ये गया मर गया ये और मरते मरते क्या करा ये डिवाइड कर गया तो देखो दो नए स्किन सेल बन गए आई बात समझ में तो ये होता कैसे है ये होता है माइटोसिस मैंने क्या समझाया कि जब गैमिट्स के बनने की बात होगी ना तो होगा मियोसिस अदरवाइज तो फिर सब पूरी बॉडी में क्या होता है माइटोसिस की ही प्रोसेस चलती है कि जो नए हमारे बॉडी में जो सेल्स बन रहे हैं जैसे कि हमारे स्किन सेल्स हैं वो नए स्किन सेल्स कहाँ से बन रहे हैं ऑलरेडी जो स्किन सेल्स एग्जिस्ट करते हैं ना बेटा वही क्या करते हैं डिवाइड करके नए स्किन सेल्स बनाते हैं कैसे तो आप बोलोगे सेल डिविजन सेल डिविजन में भी कौन सा वाला टाइप माइटोसिस अब माइटोसिस में एग्जैक्टली exactly क्या होता है ये एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा मैं तुमको तुम्हारे बॉडी के सेल की नॉलेज देना चाहूंगी तभी तुम्हें माइटोसिस और मियोसिस पल्ले पड़ेगा देखो मान लो कि यह है क्या तुम्हारी बॉडी का एक सेल सेल के सारे कंपोनेंट पड़ चुके हैं ना एनिमल सेल है तो सेल वॉल तो होगी नहीं प्लाज्मा मेमरी नहीं होगी ठीक है अंदर क्या होगा साइटोप्लाज्म होगा साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा बेटा न्यूक्लियस होगा देखो इतना बड़ा नहीं होता है लेकिन क्योंकि मुझे न्यूक्लियस के अंदर अभी अगर आ, मुझे क्रोमोजोम्स बनाने हैं इसीलिए जो है यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस इतना बड़ा बनाया अदरवाइज इतना बड़ा नहीं होता है ठीक है तो ये है अपना बॉडी सेल एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और उसके अंदर क्या है न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर हमको पता है क्या पाए जाते हैं हमारे क्रोमोज़ोम्स पाए जाते हैं और याद करो तुम्हें मैंने बताया था कि जब भी तुम्हें क्रोमोज़ोम्स का नंबर काउंट करना है हमेशा कैसे काउंट किया करो सेंट्रोमीयर्स काउंट करा करो ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तुमको देखने को मिलती है ना ये इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं सेंट्रोमियर तो इन सेंट्रोमियर्स को काउंट करो जितने नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्यर्स उतने ही क्या होंगे क्रोमोजोम्स भी होंगे बताओ यहाँ पर कितने क्रोमोजोम्स हैं दो है ना कैसे पता चला तुमने सेंट्रोमियर काउंट करे कि देखो मैम दो सेंट्रोमियर है मतलब कि दो क्रोमोजोम्स हैं बहुत बढ़िया अब अगर मैं पूछूँ कि बेटा जरा बताओ यहाँ पर कितने क्रोमोजोम्स हैं यहां पर कितने क्रोमोजोम हैं तो क्या बोलोगे एक या दो ये तो दो हैं क्योंकि सेंट्रोमियर दो हैं। यहां बताओ देखो कितने सेंट्रोमियर हैं एक ही तो है ना तो ये क्या है बेटा एक क्रोमोजोम है अब आप बोलोगी कि मैम आपके लिए तो ये भी एक क्रोमोजोम है और ये भी एक क्रोमोजोम है लेकिन इनके स्ट्रक्चर में तो मतलब डिफरेंस है आपके लिए तो ये भी एक क्रोमोजोम, क्रोमोजोम लेकिन ये सेम सेम तो नहीं ना अलग अलग दिख रहे हैं Scramatids में फर्क है। तो है और यहाँ पर तो दो डंडे हैं जो आपस में एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए बायोलॉजी की भाषा में क्रोमेटेड बोलते हैं ना यहाँ पर तो केवल एक क्रोमेटेड है यहाँ पर दो क्रोमेटेड है और दोनों क्रोमेटेड जुड़े हुए हैं सिस्टर क्रोमैटेड बोल देते हैं क्या बोल देते हैं सिस्टर क्रोमैटेड बोल देते हैं तो आप बोलोगे कि मैम ये तो मतलब गलत बात हो गई ना कि इसके पास तो केवल एक ही क्रोमेटेड है और इसके पास तो देखो दो दो क्रोमैटेड सिस्टर क्रोमेटेड हैं तो ये तो गलत बात हो गई बेटा गलत बात नहीं हुई है देखो मेरी बात समझो जब आप क्रोमोजोम की आर्म को पकड़ करके खींचते हो तो आपको क्या मिलता है डीएनए मिलता है है ना सपोज मैंने क्रोमोजोम की ये वाली आर्म को पकड़ करके खींचा तो मुझे क्या मिलेगा मुझे इसे डीएनए मिलेगा डीएनए मिलेगा याद करो अपन ने पढ़ा है न्यूक्लियस वाले टॉपिक में कि अगर क्रोमोजोम के इस आर्म को मैंने पकड़ करके खींच दिया तो मुझे क्या मिलेगा डीएनए मिलेगा डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर क्या होता है रैप्ड होता है और आसपास कुछ और भी प्रोटीन्स पड़े होते हैं लाइक दैट है ना ये जो डीएनए है इसके कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं जीन्स बोलते हैं ये जीन्स क्या करते हैं प्रोटीन्स बनाते हैं और यही प्रोटीन्स क्या करते हैं हमारे बॉडी फीचर को आ, आप बोल सकते हो कि डिसाइड करते हैं जैसे कि आज मैंने बोला कि मेरे बाल करली हैं मेरे बाल करली क्यों हैं क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रोटीन है मेरे बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रोटीन है जिससे मेरे बाल कर्ली हो रहे हैं वो प्रोटीन कहाँ से आया है तो एक जीन ने बनाया है तो डेफिनेटली बेटा मेरे बॉडी के सेल्स में एक ऐसा जीन है जो एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जिससे कि मेरे बाल कर्ली हो जाते हैं एट द सेम टाइम मैंने बोला कि मेरे आँखों का कलर कैसा है नीला है कैसे नीला है तो मेरे बॉडी में क्या है मेरे बॉडी के सेल्स में एक ऐसा जीन है जो एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जिससे कि मेरे आँखों का रंग नीला हो जाता है है ना तो ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं तो अगर मैं क्रोमोजोन की आर्म को पकड़ करके खींचू तो मुझे क्या मिलेगा डीएनए मिलेगा डीएनए के ऊपर जीन्स बैठे मिलेंगे वो सब कुछ आपको पता है अब होता क्या है जब एक सेल को बेटा डिवाइड करना होता है तो उसको दो डॉटर सेल्स उसको पैदा करने होते हैं जो एक सेल डिवाइड कर रहा है उसको अपन बोलेंगे पेरेंट सेल उसके पास तो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा बेटा जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है वही डी एन ए आर एन ए जीन्स वगैरह है ना तो जो पेरेंट सेल है सपोज ये पेरेंट सेल है जो आगे जाकर के डिवाइड करेगा और नए सेल्स बनाएगा तो यदि तुम इसके न्यूक्लियस में देखोगे तुम तो तुम्हें इसके न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स मिलेंगे क्रोमोजोम्स को खींचोगे तो तुम्हें डी एन ए मिलेगा प्रोटीन्स मिलेंगे मतलब कि तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ भैया ये जो पेरेंट सेल है ना जो आगे जाकर के डिवाइड करके नए सेल्स बनाने वाला है इस पेरेंट सेल के न्यूक्लियस में तुमको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा ही मिलेगा अब अगर पेरेंट सेल के न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है मतलब डीएनए है जीन्स है सब कुछ है पेरेंट सेल के न्यूक्लियस में तो वही जब पेरेंट सेल आगे जाकर के डिवाइड करके दो नए सेल बनाएगा बेटा तो उन दोनों नए सेल के पास भी तो उनका जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए ना ये तो वही वाली बात हो गई कि एक बूढ़े बब्बा हैं उनके दो बच्चे हैं बूढ़े बब्बा के पास एक बड़ा सा बंगला है अब उनको अपनी प्रॉपर्टी दोनों बच्चों में इक्वली क्या करनी है डिवाइड करनी है बच्चे दो बंगला एक जिस बच्चे को वो बंगला देंगे वो तो खुश हो जाएगा जिसको नहीं देंगे वो गुस्सा हो जाएगा तो वो क्या करेंगे वो सोचेंगे कि भैया काम करते हैं मैं ना एक और बंगला बना लेता हूँ तो मेरे पास दो बंगले हो जाएंगे फिर एक बंगला दूंगा एक लड़के को दूसरा बंगला दूंगा दूसरे लड़के को तो लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करेंगे दंगा नहीं मचाएंगे आपस में ना ना ही जो है ना गुस्सा गुस्सा होंगे तो यहाँ पर भी वही है कि पेरेंट सेल के न्यूक्लियस में तो क्या है जेनेटिक मटेरियल है डी एन ए है जीन्स हैं क्रोमोजोम हैं और जो दो डॉटर सेल्स बनने वाले हैं उनके पास भी तो बेटा तो जेनेटिक मटेरियल आना चाहिए ना तो पेरेंट सेल सोचता है कि भाई मैं काम करता हूँ मैं काम करता हूँ ये पेरेंट्स एल सोचता है कि मेरे पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो मैं दे देता हूँ एक डॉटर सेल को तो दूसरा डॉटर सेल बोलेगा कि भाई मैंने क्या बिगाड़ा है मुझे भी तो चाहिए जेनेटिक मटेरियल तो ये बोलेगा कि भैया तो मेरे पास तो केवल एक ही जेनेटिक मटेरियल था अपना ही था जो मैंने तुम्हारे भाई को दे दिया बहन को दे दिया अब तुम्हारे पास तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो कुछ है ही नहीं मेरे पास तो ये सैल बोलेगा कि अरे मैं तो मर जाऊँगा बिना जेनेटिक मटेरियल के तो ये पेरेंट्स सेल बोलते हैं कि ना मुन्ना ना तुम मर नहीं सकते हो मैं इसका एक तरीका निकालूंगा क्या तरीका निकालूंगा ये पेरेंट सेल बोलता है कि भैया मैं अपने जेनेटिक मटेरियल को जो है ना कॉपी बना लूँगा जैसे कि बुड्ढ अंकल ने क्या करा था अपना एक बंगला तो था ही उनके पास उनने दूसरा बंगला भी बना लिया था ताकि उनके पास दो बंगले बन जाएं वैसे ये पेरेंट सेल बोलेगा कि भैया मेरे पास जो जेनेटिक मटेरियल है मैं उसकी कॉपी बना लूंगा फिर एक कॉपी दूंगा एक डॉटर को, सेल को दूसरी कॉपी दूंगा दूसरे डॉटर सेल को ताकि दोनों सेल्स सरवाइव करें कोई मर वर ना जाए आई बात समझ में तो यहां पर क्या होता है बेटा जेनेटिक मटेरियल की कॉपी होती है जेनेटिक मटेरियल की कॉपी होती है जेनेटिक मटेरियल की कॉपी होने गा गा का मतलब क्या है डीएनए की कॉपी होती है डीएनए की कॉपी बनती है जैसे कि अपन फोटो कॉपी नहीं निकलवाते हैं पेज की क्योंकि तुम गए हो एक कॉपी मतलब एक पेज लेकर के तुमने फोटो कॉपी कर दी अब तुम्हारे पास दो पेज आ गए एग्जैक्टली exactly वैसे ही बेटा क्रोमोजोम्स के अंदर जो डीएनए होता है ना उस डीएनए की क्या बन जाती है कॉपी बन जाती है सपोज इसके पास पेरेंट सेल के पास जो डीएनए था सपोज ये डीएनए था पेरेंट सेल के पास क्या था बेटा ये डीएनए था क्या होगा इसकी ये कॉपी बना लेगा ये कॉपी बन गई फिर क्या होगा ये एक कॉपी देगा एक सेल को और दूसरी कॉपी दे देगा दूसरे सेल को सॉल्व प्रॉब्लम आई बात समझ में तो देखो हुआ क्या वापस से आते हैं ये हमारा बॉडी सेल है न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में क्या होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं ठीक है सपोज ये क्रोमोजोम है क्रोमोजोम के अंदर बेटा ये क्या है क्रोमोजोम के अंदर ये डी है क्रोमोजोम के अंदर डी कोई और कलर से बनाती हूँ रुको हुं। क्रोमोजोम के अंदर देखो ये क्या है ये है डीएनए ठीक है अब इस सेल को क्या करना है बेटा डिवाइड करना है दो डॉटर सेल बनाने है तो दोनों डॉटर सेल के पास डीएनए की एक एक कॉपी पहुंचनी चाहिए ना तो पता ही ये पेरेंट सेल क्या करेगा अपने डीएनए की कॉपी बना लेगा अपने डीएनए की कुछ इस तरीके से ये कॉपी बना लेगा लाइक like दैट ये देखो ये ग्रीन वाला था ओरिजिनल डीएनए और ये वाइट क्या बन गई इसकी कॉपी बन गई अब बेटा ये जो वाइट जो नया जो डी की कॉपी बनी है वो बिल्कुल ही ऐसी पड़ी रहेगी तो अच्छी नहीं लगेगी तो क्या करते हैं उसके ऊपर एक कवर लगा देते हैं उसके ऊपर एक ऐसा कवर लगा देते हैं लाइक like दिस कि जो नई डीएनए की कॉपी बनी है वो ऐसी पड़ी रहेगी तो देख के अच्छी नहीं लगेगी तो उसके ऊपर एक कवर लगा देते हैं और कवर जैसे हम लगाते हैं बेटा तो देखो क्या होता है एक और क्रोमेटेड बन जाता है कि नहीं बन जाता है तो ये जो बेटा क्रोमोजोम था ये देखो अब ऐसा बन गया कि नहीं बन गया इनिशियली तो अपने पास कुछ ऐसा दिखने वाला क्रोमोजोम था ऐसा दिखने वाला क्रोमोजोम था था ना ये देखो जिसके अंदर क्या था डी था ये डी था फिर क्या हुआ डी की कॉपी बनी डी की कॉपी बनी और उस कॉपी के ऊपर भी क्या हुआ ये ऐसा कवर लगाया गया तो अल्टीमेटली देखो अपना जो क्रोमोजोम है फिर वो ऐसा दिखने लगा तो बेटा ये और ये एक ही क्रोमोजोम है फ़र्क क्या है दोनों में फ़र्क है क्रोमैटिक्स का यहाँ पर एक क्रोमेटेड है यहाँ पर दो है जिनको अपन क्या बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिक्स और ये जो क्रोमोजोम है वो ऐसे से ऐसा बना क्यूं? क्यों क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है डीएनए की कॉपी हुई है बेटा यहाँ पर डीएनए की कॉपी की प्रोसेस हुई है डी की कॉपी अगर नहीं बनती तो उसके ऊपर ये कवर नहीं लगाना पड़ता ये सिस्टर क्रोमेटेड नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल की कॉपी हुई है डीएनए की कॉपी हुई है उस कॉपी के ऊपर कवर लगाया गया इसीलिए बेटा ये क्रोमोजोम ऐसा दिखने लगा तो इसका मतलब ये है कि मैम अगर ये सेल डिवाइड करने का ना सोचता तो इसके अंदर के जो क्रोमोजोम्स थे वो ऐसे ही दिखते ऐसे दिखते ही नहीं यानी कि जब डिवीजन के बारे आती बेटा मेरा स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझना मैंने क्या बोला कि जब डिवीजन की हालत आती है जब डिवीजन का स्टेट आता है जब डिवीजन की बारी आती है तब ही डीएनए की कॉपी होती है और तभी क्रोमोजोम्स ऐसे से ऐसे दिखते हैं अदरवाइज तो कैसे दिखेंगे ऐसे ही दिखेंगे ठीक है अच्छा हाँ जी अब वापस से आते हैं तो तुम्हें यह समझ में आ गया ना कि क्रोमोजोम के अंदर क्या है डीएनए की कॉपी जब होगी है ना सेल डिविजन के दौरान तो फिर क्रोमोजोम्स कैसे दिखने लगेंगे ये तुम्हें पल्ले पड़ गया अब देखो वापस आओ हमारे बेटा हर एक बॉडी के सेल के न्यूक्लियस में पता है तुम्हें कितने क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं 46 कितने 46 क्रोमोसोम्स क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं वी हैव 46 क्रोमोसोम्स क्रोमोजोम्स हमारे हर एक बॉडी के सेल में अच्छा ये जो 46 क्रोमोसोम्स क्रोमोजोम्स होते हैं ना बेटा ये भी दो सेट में पाए जाते हैं जिसके कारण ट्वेंटी थ्री पेयर्स बन जाते हैं मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ जैसे कि मैंने अपने बॉडी के सेल के न्यूक्लियस में बुलाया क्रोमोज़ोम नंबर वन तुमको पता है क्रोमोज़ोम नंबर वन अकेला नहीं आएगा वो अपने साथी के साथ आएगा तो देखो ये बन गया ना एक पेयर फिर मैंने बुलाया क्रोमोज़ोम नंबर टू तो क्रोमोज़ोम नंबर टू आया तो आया अकेला नहीं आया वो अपने साथी के साथ आया तो देखो ये बन गया दूसरा पेयर ये था पहला पेयर और ये था दूसरा पेयर मैंने बुलाया क्रोमोज़ोम नंबर थ्री तो वो अकेला नहीं आया वो अपने साथी के साथ आया तो देखो एक और पेयर बन गया तीन पेयर बन गए ऐसे ही मैं बुलाऊंगी क्रोमोजोम नंबर फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्थ तो ये अकेले नहीं आएंगे ये अपने साथी के साथ आएंगे तो ऐसे क्या होगा बेटा क्रोमोजोम्स का पेयर बनता जाएगा फॉर एग्जाम्पल मैंने बुलाया क्रोमोजोम नंबर ट्वेंटी तो बेटा वो अकेला नहीं आएगा क्रोमोजोम नंबर ट्वेंटी अकेला नहीं आएगा वो अपने साथी के साथ आएगा ये देखो तो देखो यहाँ पर एक और पेयर बन गया शुरुआत हमने करी थी क्रोमोजोम नंबर वन के साथ और कहाँ तक पहुँच गए क्रोमोजोम नंबर ट्वेंटी तक पहुँच गए मतलब कि हमने ट्वेंटी पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स बना दिए कि जब भी आप कोई क्रोमोजोम को पुकारोगे बेटा अपने मैं बात कर रही हूँ अपने बॉडी के सेल की क्रोमोजोम्स की मैं किसी दूसरे प्लांट या दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग्स की कि हमारे बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस में होते हैं 46 सिक्स क्रोमोजोम्स और वो 46 सिक्स क्रोमोजोम्स पेयर बना लेते हैं अगर मैंने बुलाया क्रोमोजोम नंबर वन तो वो अकेला नहीं आएगा वो अपने वो अपने साथी के साथ आएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर एक पेयर बन जाएगा फिर मैंने बुलाया क्रोमोजोम नंबर ट्वेंटी थ्री तो वो अकेला नहीं आएगा वो अपने साथी के साथ आएगा और देखो क्या होगा यहाँ पर भी पेयर बन जाएगा कितने पेयर बन गए One से शुरू करते करते वन टू थ्री फोर फाइव अरे 46 ही तो होते हैं जो ट्वेंटी थ्री पेयर्स में अरेंज हो जाते हैं अब और है ही नहीं क्रोमोजोम तुम कहाँ ट्वेंटी फोर पे पहुंच रहे हो तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं बोले तो 23 थ्री ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं है ना 23 थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं तो क्रोमोसोम अकेले अकेले नहीं होते ना साथ साथ होते हैं आई बात समझ में चलो अब देखो बेटा ऐसा है कि 23 थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स को यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर ड्रॉ करना और फिर इसके बाद में माइटोसिस मियोसिस समझाना मुश्किल होने वाली है ठीक है तो मैं क्या करती हूँ ना ट्वेंटी थ्री में से केवल एक पेयर की बात करती हूँ देखो जो ट्वेंटी थ्री पेयर्स हैं वो सब हैं तो क्रोमोजोम्स के ही सारे क्रोमोजोम्स एक जैसे ही हैं है ना तो जो कहानी एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स की होगी वही कहानी बाकी ट्वेंटी टू पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स की होगी होगी तो मैं मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है कि हमारे बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस में 46 सिक्स क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं जो आपस में मिलजुल के क्या करते हैं 23 थ्री पेयर्स बना लेते हैं क्रोमोजोम्स के अब 23 थ्री पेयर्स को यहाँ पर ड्रॉ करना बताना वो मुश्किल है तो मैं क्या करूँगी ट्वेंटी में से मैं एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स की बात करती हूँ तुमसे और जो कहानी एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स की होगी बेटा वही कहानी बाकी के 22 टू पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स की भी एग्जैक्ट वैसी ही होगी ठीक है चलो अब देखो होता क्या है ये अपन माइटोसिस ही पढ़ रहे हैं ना अपन अभी माइटोसिस पर ही हैं माइटोसिस से बाहर नहीं निकले हैं चलो अब यहाँ देखो क्या होता है अपना सेल है सेल का न्यूक्लियस है और फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्रोमोजोम्स के एक पेयर की ठीक है अच्छा ये समय कौन सा है ये समय है माइटोसिस का बोले तो सेल डिवीजन का और अगर तुमको याद हो तो जब अपन न्यूक्लियस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो अपन ने क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन नाम का एक वर्ड भी पढ़ा था और तुमको वहाँ पर भी मैंने बताया था कि बेटा जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो उस सेल के न्यूक्लियस में तुमको ऐसा लगेगा कि कुछ धागे जैसा एक यू नो नेटवर्क ऐसा पड़ा हुआ है जिसको अपन क्या बोलते थे क्रोमैटिन या क्रोमैटिन मटेरियल ये तब देखने को मिलता है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता और जैसे ही सेल डिवीजन की स्टेट में पहुंचता है ये क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है और क्या बन जाते हैं ये रॉड शेप स्ट्रक्चर्स क्रोमोजोम्स याद आया इसीलिए मैंने बोला कि ये समय कौन सा है ये समय है सेल डिवीजन का जब समय आता है सेल डिवीजन का तभी क्या होता है बेटा क्रोमोजोम्स दिखाई देते हैं अदरवाइज तो क्या होता है क्रोमेटिक मटेरियल पड़ा होता है जब सेल डिवीजन का मौका आएगा तभी ही मटेरियल कंडेंस होगा रॉड शेप स्ट्रक्चर्स बनेंगे क्रोमोसोम्स बनेंगे जिनके अंदर क्या होता है डीएनए होता है ठीक है चलो तो मैं काम करती हूँ भी ड्रॉ कर देती हूँ ये हो गया डीएनए ठीक है ठीके? अब क्या होने वाला है देखो अब होने वाला देखो ये है मैंने क्या बताया तुमको कि हमारे ये क्या हमारे बॉडी का एक सेल है रैंडमली आप कोई भी सेल उठा लो अदर देन देस ठीक है तो उसके न्यूक्लियस में आपको 46 सिक्स मिल जाएंगे मतलब 23 थ्री पेयर ऑफ क्रमोजोम मिल जाएंगे अब सपोज जब ये सेल डिवाइड करेगा तो नेचुरली इससे क्या होगा दो नए सेल बनेंगे सपोज ये हमारे स्किन का सेल ही था इसके न्यूक्लियस में कितने क्रोमोजोम्स थे फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स थे अब जब ये डिवाइड करेगा तो नए सेल बनेंगे तो बेटा नए सेल्स के भी न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स ही तो आने चाहिए ना आप ये तो नहीं बोलोगे कि मैम कोई बात नहीं अगर दो तीन कम हो भी गए तो क्या बड़ी बात है अरे बड़ी बात है जैसे वो बुढे पब्बा थे उनके पास एक बंगला था लड़के दो थे प्रॉपर्टी डिवाइड करने के लिए है ना तो अब प्रॉपर्टी उनको डिवाइड करनी थी बच्चे दो थे अब बंगला एक ही था तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डिवाइड किया उन्होंने एक और बंगला बनाया एक तो पहले से ही था एक और बनवाया एक दिया एक लड़के को दूसरा दिया दूसरे लड़के को मतलब इक्वल डिवीजन आई बात समझ में इक्वल डिवीजन उन्होंने करा अपनी प्रॉपर्टी का तो यहाँ पर भी वही होगा कि जब ये सेल डिवाइड करेगा दो नए सेल बनेंगे तो इन दोनों ही नए सेल में न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स ही आने चाहिए ना एक कम ना एक ज्यादा क्योंकि पेरेंट सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल हर एक डॉटर सेल के भी न्यूक्लियस में बेटा 46 क्रोमोसोम्स ही आने चाहिए मैंने क्या बोला ना एक कम ना एक ज्यादा जितने हैं उतने के उतने आने चाहिए डॉटर सेल्स में भी आई बात समझ में चलो यानी कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में थे तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही दोनों डॉटर सेल्स में आने चाहिए ठीक है चलो अब देखो हुआ क्या जब सेल डिवीजन की बारी आई तो जो ये पेरेंट्स सेल है ये पेरेंट्स सेल है बेटा मैं लिख भी देती हूँ दिस इज पेरेंट सेल ठीक है ये, तो क्या पेरेंट सेल ठीक है तो पेरेंट सेल का जो डी एन ए था ठीक है पेरेंट सेल का जो डी एन ए था या आप सोच लो कि जो पेरेंट्स सेल था उस, उसने मतलब रियलाइज करा पेरेंट्स सेल ने रियलाइज करा कि यार मेरे पास तो है अपना डी एन ए जेनेटिक मटीरियल आगे जाकर के जो मुझसे दो नए सेल बनने वाले हैं उनके पास भी तो अपना अपना जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए ना डीएनए होना चाहिए तो बंगला तो एक ही है लड़के दो हैं तो क्या होना चाहिए बंगले की कॉपी बननी चाहिए ना तो ये पेरेंट्स बोलता है कि भैया मेरे पास तो है मेरा डीएनए अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं क्या करूं अपने डीएनए की कॉपी बना लू ताकि एक कॉपी दूँ एक सेल को दूसरी कॉपी दूँ दूसरे सेल को तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा डी एन ए रेप्लीकेशन डुप्लीकेशन यानी कि डी एन ए कॉपी ये देखो ये बनी डी एन ए की कॉपी मतलब इस क्रोमोजोम में जो डी एन ए था वो देखो उसकी कॉपी बन गई अब इस क्रोमोजोम में भी जो डी एन ए है देखो उसकी कुछ इस तरीके से कॉपी बन जाएगी है ना अब देखो यहाँ पर कॉपी कॉपी ऐसी मतलब ऐसी पड़ी हुई है बिल्कुल ही बिना कवर के अच्छी नहीं लग रही तो क्या होगा कवर लगाएंगे कवर लगाएंगे तो कवर लगाने के बाद नज़ारा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ये अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बेटा कितने क्रोमोज़ोम्स हैं तो क्या बोलोगे दो या चार मैंने क्या बोला हमेशा नंबर ऑफ सेंट्रोमियर काउंट करो कितने सेंट्रोमियर हैं दो है ना तो अभी भी क्रोमोज़ोम्स का नंबर बेटा दो ही है मैंने क्या समझाया था कि जब हम सेल डिवीज़न की बात करते हैं जब सेल डिवीज़न का टाइम आता है तो क्रोमोजोम ऐसे से ऐसे दिखने लग जाते हैं क्योंकि सेल डिविजन के टाइम पर डी की कॉपी होती है तो कॉपी के ऊपर भी क्या होता है कवर लग जाता है तो सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं एक ही सेंटर में से जुड़े होते हैं तो जब सेल डिवीजन के टाइम पे बेटा क्रोमोसोम पहली बात तो सेल डिवीजन के टाइम पर स्टार्टिंग में आपको जब सेल डिवीजन की प्रोसेस शुरू होने वाली होगी ना उस समय क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाएगा और आपको क्रोमोजोम दिखने शुरू होंगे और उसके भी पहले अल्टीमेटली क्या होगा ये डी की कॉपी बन जाएगी

इन लोगों को बेटा अलग अलग किया जाएगा कैसे देखो माइटोसिस में क्या होता है वही मैं आपको पढ़ाने की समझाने की कोशिश कर रही हूं अब देखो माइटोसिस के बिना चार फेजेस होते हैं प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज ठीक है नाम आपके सिलेबस में नहीं है डिटेल भी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी बेसिक बेसिक मैं आपको पढ़ाती हूँ अब देखो होता क्या जब मेटाफेज स्टेज आती है सेल डिवीजन की इन केस ऑफ माइटोसिस तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना बेटा ये बीच में आकर के ऐसे लेट जाते हैं बीच में आकर के कुछ इस तरीके से ऐसे लेट जाते हैं ऐसे ठीक है hmm, कलर कौन कौन से हैं ब्लू लाइक दिस ठीक है येलो कलर का यहाँ पर डीएनए हो गया और जो डीएनए की कॉपी बनी है वो है पिंक कलर की ठीक है तो कुछ इस तरीके से क्या हुआ ये क्रोमोजोम्स आकर के लेट गए मेटाफेज स्टेज पे लेटने के बाद में पता है क्या होता है यहाँ से कुछ फाइबर्स निकलते हैं यहाँ से कुछ ऐसे फाइबर्स निकलते हैं जो इनसे आकर के ऐसे जुड़ जाते हैं ठीक है और जुड़ने के बाद पता है क्या होता है ये फाइबर्स इन क्रोमेटिड्स को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं भाई ये क्रोमोजोम इसके दो सिस्टर क्रोमेटिड्स ये क्रोमोजोम इसके दो सिस्टर क्रोमेटिड्स तो हुआ क्या हुआ ये कि ऐसे आकर के लेट गए हॉरिजॉन्टली कुछ फाइबर्स आकर के जुड़े अब अब ये फाइबर्स क्या करेंगे इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग अलग करने की कोशिश करेंगे और बेटा वाकई में बताए क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर है ना अब ये स्प्लिट हो जाएंगे ये टूट जाएंगे तो जैसे ये सेंट्रोमियर बेटा ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़ के रखने वाले कौन थे सेंट्रोमियर अब जब यही टूट जाएंगे तो क्या होगा सिस्टर क्रोमैटिड्स भी अलग अलग हो जाएंगे एक्जैक्टली exactly यही होगा देखो कुछ इस तरीके से सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे तो ये जो ब्लू वाले सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वेरी सॉरी देखो मैंने क्या समझाया कि यहाँ पर जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं कौन से ये ब्लू कलर के ये खिंच के आ जाएंगे कहाँ सेल के इस एंड पर और ये जो ग्रीन सिस्टर क्रोमेट्स हैं ये भी खिंच करके क्या होंगे सेल के ये वाले एंड पर आ जाएंगे मैं ड्रॉ करके कर बताती हूं आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा देखो लाइक like, ये तो नीचे आएगा ठीक है कुछ इस तरीके से लाइक like दिस yeah. तो ये हॉरिज़ॉन्टली आकर के लेट गए क्रोमोसोम ठीक है फिर कुछ फाइबर्स निकले जो इनको ऑपोजिट एंड की तरफ खींचते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है बेटा सेंट्रोमीयर ही देखो जैसे कि ये सेंट्रोमीयर है ये स्प्लिट हो गया दो पार्ट में एक पार्ट मिला इस को और सेंट्रोमीयर का एक पार्ट मिल गया इस को ये वाला सेंट्रोमियर भी टूटा तो इसका आधा हिस्सा मिल गया इस को और आधा हिस्सा मिल गया इस वाले को तो जब सेंट्रोमियर ही स्प्लिट होंगे तो क्या होगा जो क्रोमेटेड जुड़े हुए ना आपस में वो भी क्या होंगे अलग अलग हो जाएंगे दो क्रोमेटेड गए यहां और ऊपर के दो आ गए कहां? तो देखो सेल के दोनों ही तुमसे पूछू कि जरा बताओ कितने हैं यहां पर तो दो थे क्यों सेंट्रोमियर दो थे आप बताना जरा कितने है? एक दो तीन चार मैम यहाँ तो चार क्रोमोजोम्स हो गए क्रोमोजोम्स का नंबर डबल हो गया मैम डीएनए की तो कॉपी डबल हुई थी मतलब डीएनए की कॉपी तो बनी थी डीएनए तो डबल हुआ ही था क्रोमोजोम्स भी डबल हो गए हो माय गॉड मैम कैसे हो गया अरे ये चीज़ बेटा टेम्प्रेरी है ये परमानेंट नहीं है अब जैसे ही सेल के न्यूक्लियस को पता चलेगा कि भैया यहाँ पर तो क्रोमोजोम्स का नंबर ही क्या हो रहा है डबल हो रहा है तो हड़कंप मच जाएगा और इस हड़कंप के चक्कर में पता है क्या होगा ये जो न्यूक्लियस है ना ये बोलेगा कि भैया मैं तो डिवाइड हो गया भैया डिवाइड करो न्यूक्लियस को दो अलग अलग न्यूक्लियस बनाओ ऐसे काम नहीं चलेगा क्रोमोजोम्स का नंबर डबल नहीं हो सकता हमारे बॉडी के हर एक सेल में हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस में मतलब हमारे बॉडी के बेटा हर एक सेल के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं फोर्टी सिक्स होते हैं क्रोमोजोम मतलब कि थ्री पेयर ऑफ क्रोजोम होते हैं तुमको मैंने क्या बोला कि जो कहानी एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम की है वही कहानी बाकी के जो बाईस पेयर है क्रोमोजोम्स की उनकी भी होगी मतलब कि जिस तरीके से यहां पर तुमको मैं एक पेयर की बात बता रही हूं मैंने तुमको क्या बताया था कि फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स को ड्रॉ करना ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम को ड्रॉ करके यहाँ बताना बेटा बहुत डिफिकल्ट है वो मैं कर नहीं पाऊंगी इसलिए मैं क्या कर रही हूँ एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स की बात कर रही हूँ तो जो कहानी एक पेयर में हो रही वही कहानी बाकी के 22 पेयर में भी हो रही होगी डीएनए कॉपी हो रहा होगा सिस्टर क्रोमेटिड्स बन रहे होंगे फिर ये मेटाफेज स्टेज में आके क्या हो रहा है हॉरिजॉन्टली लाइन करते हैं फाइबर्स आते हैं खींचते हैं इनको तो आधे क्रोमेटिड आ जाते हैं यहाँ आधे आ जाते हैं यहां और जहां सेंटोमीयर्स स्प्लिट हुए बेटा फिर तो क्या होगा क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ जाएगा ना यानी कि यहां पर सेल के इस एंड में कितने क्रोमोजोम आ जाते हैं फोर्टी सिक्स और यहाँ पर भी 46। देखो अलग-अलग हो गए तो अब तुम इनको क्रोमेटिड नहीं बोल सकते कहानी चल रही है वही कहानी बाकी के बाईस पेयर की भी होती है तो एक पेयर के जो दो क्रोमोजोम थे किस तरीके से उनके क्रोमेटिड बने सिस्टर क्रोमेटिड किस तरीके से वो अलग अलग हुए आई बात समझ में तो इस चक्कर में होता क्या है कि जो पूरे के पूरे 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स है बेटा उनके साथ भी यही होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है सेल के दोनों एंड्स पर 46 46 फोर्टी क्रोमोजोम्स आ जाते हैं इतने में न्यूक्लियस बोलता है कि अरे बाबरे तो बहुत ही घोर सिचुएशन है सेल में क्रोमोजोम्स का नंबर नाइनटी टू बढ़ करके नहीं हो सकता डबल नहीं हो सकता पटाफट पट क्या करो न्यूक्लियस को डिवाइड करो तो देखो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और दोनों न्यूक्लियस में देखो कितने होते हैं 46, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है बेटा ये सेल मेम्ब्रेन बोलती है कि भैया मैं भी डिवाइड कर लेती हूँ मैं भी डिवाइड कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन भी डिवाइड कर लेती है और अल्टीमेटली क्या होता है दो सेल्स बन जाते हैं और दोनों ही सेल्स के न्यूक्लियस में दोनों ही सेल्स के न्यूक्लियस में कितने कितने क्रोमोजोम्स आ जाते हैं बेटा 46 46 क्रोमोजोम्स आ जाते हैं लाइक like दिस देखो शुरुआत हमने करी थी हमारे ये बॉडी सेल के पास हम हमने इस बॉडी सेल से शुरुआत करी थी इसके न्यूक्लियस में कितने क्रोमोजोम्स थे 46 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स थे यहां पर तुमको एक पेयर दिख रहा होगा से जो दो डॉटर सेल बने बेटा उनके भी न्यूक्लियस में कितने हैं 46, कितने पेयर हैं 23, 23 में से तुमको यहां पर एक एक पेयर दिख रहा होगा तो जहां से हमने शुरुआत करी थी अल्टीमेटली हम वहीं लौट करके आ गए इसी को बोलते हैं माइटोसिस बोलते हैं माइटोसिस डीएनए की कॉपी बनी सिस्टर क्रोमैटिक्स बन गए फिर यही सिस्टर क्रोमेटिक्स को अलग अलग करा गया तो सेल के दोनों एंड पर क्या हुआ 46, 46 फोर्टी क्रोमोजोम्स बनने लग गए तो न्यूक्लियस डिवाइड कर गया तो एक सेल में दो न्यूक्लियर आ गए अल्टीमेटली क्या हुआ सेल मेम्ब्रेन भी डिवाइड कर गई तो दो डॉटर सेल बन गए और हर एक डॉटर सेल के अंदर 46, 46 फोर्टी क्रोमोजोम्स मतलब कि 23 थ्री पेयर्स एंड क्रोमोजोम्स आ जाएंगे दोनों डॉटर सेल्स में इसे हम बोलते हैं माइटोसिस बताई समझ में अब मियोसिस को समझने के लिए मियोसिस को समझने के लिए आ जाओ हम इसी स्टेप को क्या करेंगे बेटा ये वाली जो स्टेप है ना इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे कैसे भाई यहां तक तो अपन पहुंच ही गए थे कि एक सेल जब डिवाइड हुआ ठीक है ये एक काम करूं चलो मैं तुमको फिर से समझाई देती हूँ देखो मियोसिस में क्या होता है बच्चों मियोसिस में ना मियोसिस होता कब है जब गैमिट बन रहे होते हैं ठीक है अब देखो होता क्या है मान लो ये हमारी बॉडी का सेल है कौन सा सेल है ऐसा वैसा सेल नहीं है ये है एक गैमिट प्रोड्यूसिंग सेल आगे जाकर के गैमिट बनाएगा इसके इसको अपन ने क्या बोला गैमिट प्रोड्यूसिंग सेल इसको अपन जर्म सेल भी बोल सकते हैं इसके न्यूक्लियस में तुमको कितने क्रोमोजोम्स मिलेंगे अगेन वही 46 सिक्स क्रोमोजोम्स तुमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ठीक है लाइक like दिस 23 थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम देखिए यहाँ पर तुमको कितने रहे हैं? एक पेयर दिख रहा है ठीक है ना होंगे कितने 23, ये टू कैसा बन गया मेरा 23 थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे ठीक है अब क्या होगा ये डिवाइड करेगा ठीक है ये डिवाइड करेगा और डिवीजन के टाइम पर तुमको पता है क्या होता है डिवीजन के टाइम पर वही डीएनए की कॉपी बनती है है ना डिवीजन के टाइम पर क्या होता है कुछ इस तरीके से डीएनए की कॉपी बनती है क्योंकि भाई एक सेल जब डिवाइड करेगा दो नए सेल बनाएगा तो दोनों सेल्स को देने के लिए जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए ना डीएनए की कॉपी होनी चाहिए तो देखो यहां पर बनी क्या ये डीएनए की कॉपी अब देखो वैसे डीएनए की कॉपी पड़ी लेंगे अच्छा नहीं लगेगा देखने में तो एन के ऊपर बेटा क्या होता है ऐसे कवर लगा दिया जाता है लाइक like दिस ये लगा दिया कवर और अब अग, अब अगर तुमसे मैं पूछूँ बताओ कितने क्रोमोजोम्स हैं तो क्या बोलोगे मैम दो ही हैं अभी भी सेल में क्रोमेटिड्स बन गए हैं डीएनए की कॉपी हो गई है है ना डीएनए की कॉपी हो गई है लेकिन क्रोमोजोम्स का नंबर अभी भी उतना का उतना ही है वो तो बस ये समझ लो कि सिस्टर क्रोमेट्स बन गए हैं अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी मियोसिस की अच्छा मियोसिस में भी क्या होता है मियोसिस में भी दो फेज होते हैं एक होता है मियोसिस वन और मियोसिस टू अभी अपन पढ़ रहे हैं मियोसिस वन क्या पढ़ रहे हैं मियोसिस वन अब पता है मियोसिस वन में क्या होगा मियोसिस वन में देखो मैं आप बार बार लिख रही हूँ कि अभी यहाँ पर कितने पेयर हैं स्टार्टिंग में गैम प्रोड्यूसिंग सेल के अंदर ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स डीएनए की यहाँ पर कॉपी जरूर हुई है लेकिन अभी भी कितने हैं सेल में न्यूक्लियस में 46 फोर्टी सिक्स मतलब थ्री पेर ऑफ क्रोमोसोम्स ही हैं अभी भी अब क्या होता है कि ये क्रोमोजोम आकर के ऐसे लेट जाते हैं हॉरिज़ॉन्टली, ये लेट जाते हैं आके हॉरिजोंटली कुछ इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल बनाना है लाइक like दिस ठीक है ये देखो ये आके लेट गए अब क्या होगा वही सेल के ऑपोजिट पोल से ऑपोजिट एंड से कुछ फाइबर्स निकलेंगे कुछ फाइबर्स निकलेंगे और इनसे आके जुड़ जाएंगे और फिर पता क्या होगा ये फाइबर्स जो 46 क्रोमोसोम्स थे ना उन 46 क्रोमोसोम को ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे देखो बेटा ऐसे ना यहाँ पर फोर्टी फोर क्रोमोजोम्स और होते हैं मैं ड्रॉ नहीं कर सकती इतने क्रोमोजोम्स इसीलिए एक पेट तुम लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कितने क्रोमोजोम्स हैं फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स हैं सारे के सारे फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स इसी हालत में होते हैं और सब के सब आकर के क्या होते हैं ऐसे लेट जाते हैं फाइबर्स आकर के जुड़ते हैं और वो फाइबर्स क्या करते हैं क्रोमोजोम्स को ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचना शुरू करते हैं तो इस खींचम खाची में होता क्या है इस खींचम खाची में होता ये है कि सेल के एक एंड पर सेल के एक एंड पर 46 में से 23 क्रोमोजोम्स आ जाते हैं इस खींचम खाची से हुआ क्या इस खींचम खाची से यह हुआ कि 46 क्रोमोसोम्स क्रोमोजोम्स में से 23 मतलब आधे आ जाते हैं एक एंड पर और आधे आ जाते हैं दूसरे एंड पर आई बात समझ में भाई जब जब भी ये फाइबर जुड़ते हैं ना आकर के ये खींचने की कोशिश करेंगे इस खींचम खाची में क्या होता है हमने देखा था कि माइटोसिस में सेंट्रोमियर ही टूट गया था स्प्लिट हो गया था तो क्रोमेटिक्स अलग अलग हो गए थे अपना अपना सेंट्रोमियर लेकर के तो क्रोमोसो का नंबर बढ़ने वाला था इसलिए क्या हुआ न्यूक्लियस डिवाइड हो गया सेल मेम्रेन डिवाइड हो गए तो दो नए सेल बन गए लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर सेंट्रोमियर टूटे नहीं बल्कि क्रोमोजोम्स ने बोला कि अच्छा हमको वहाँ पर खींच रहे हो ठीक है हम यहाँ आ जाते हैं आधे क्रोमोजोम्स ने बोला अच्छा हमको वहाँ खींच रहे हो ठीक है हम यहाँ आ जाते हैं तो बेटा क्रोमोजोम यहाँ पर क्या हुआ डिवाइड हो गए आधे एक एंड पर आ गए आधे दूसरे एंड पर आ गए और इसी दौरान फट्टे से हुआ क्या बेटा न्यूक्लियस डिवाइड कर गया सेल का न्यूक्लियस डिवाइड कर गया कुछ इस तरीके से एक न्यूक्लियस बन गया ऊपर और एक न्यूक्लियस बन गया नीचे ऊपर वाले न्यूक्लियस में बेटा ऊपर वाले न्यूक्लियस में रह गए कितने 23 क्रोमोसोम्स और नीचे वाले में भी रह गए 23 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स, 23 थ्री पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बेटा यहां पर आकर के लेट गए थे फाइबर्स ने खींचा तो आधे आ गए इस एंड पर आधे चले गए उस एंड पर और इसी बीच क्या हुआ न्यूक्लियस डिवाइड कर गया तो दो न्यूक्लियस बन गए और दोनों न्यूक्लियस में क्या हुआ क्रोमोजोम्स का नंबर देखो आधा आधा हो गया अब इस न्यूक्लियस के क्रोमोजोम इस न्यूक्लियस में कितने है? क्रोमोजोम्स हैं तेईस इसमें भी कितने हैं तेईस और अब क्या होगा देखते क, देखते बेटा सेल भी जो मेम्रेन है वो भी डिवाइड कर जाएगी अल्टीमेटली दो नए सेल बन जाएंगे और उन दो नए सेल की खास बात क्या है इन दो नए सेल की खास बात है कि इनमें जो क्रोमोजोम्स का नंबर है बेटा वो आधा आधा हो गया है क्रोमोज़ोम्स का नंबर आधा आधा लाइक like दिस अब यहां पर आ गए हैं ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री पेयर नहीं क्रोमोजोम्स ये दोनों में ये हुई मियोसिस वन तो मियोसिस वन की खास बात क्या थी क्रोमोजोम्स का नंबर देखो आधा हो गया हो गया आधा शुरुआत हमने कहाँ से करी थी शुरुआत हमने यहाँ से करी थी डी कॉपी हो गई थी सिस्टर क्रोमेटिक्स बन गए थे एक सेल से फिर क्या हुआ देखो अल्टीमेटली दो नए सेल बन गए और दो नए सेल में देखो क्या हुआ क्रोमोसोम्स का नंबर देखो आधा आधा हो गया कि नहीं हो गया दिस इज मियोसिस वन अब मियोसिस टू में क्या होगा मियोसिस टू में वही होगा बेटा जो माइटोसिस में हुआ था ठीक है मतलब देखो यहां पर अरे हम कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए हाँ ये देखो अब यहां पर जो दो नए सेल बने बेटा ये दो जो नए सेल बने ये आगे जाकर के और डिवाइड करेंगे ये आगे जाकर के और डिवाइड करेंगे और जब ये आगे जाकर के डिवाइड करेंगे देखो मैं बताती हूं ये दो डॉटर सेल हैं जो मियोसिस वन में बने अब क्या होगा यह आगे जा कर के और डिवाइड करेंगे कैसे जैसे कि माइटोसिस में करा अब मैं आपको और डिटेल नहीं पढ़ाऊँगी अदरवाइज आपके सर के ऊपर से सब कुछ निकलने लग जाएगा बस इतना समझ लो कि अब होगी क्या अब होगी मियोसिस टू जो कि बहुत सिमिलर होती है मियो माइटोसिस से जैसे माइटोसिस हुई है ना जैसे माइटोसिस है कि जो क्रोमैटिक्स देखो माइटोसिस एंड मियोसिस वन में फ़र्क क्या था माइटोसिस में जो सेंट्रोमियर थे बेटा वो स्प्लिट हो गए थे जिसके कारण जो क्रोमैटेड थे वो अलग अलग हो गए थे और क्रोमेटिक जो अलग अलग हुए वो सेंट्रोमियर का अपना अपना हिस्सा लेकर के अलग हुए मतलब कि हर एक क्रोमैटेड के पास अपना एक सेंट्रोमियर आ चुका था तो इसीलिए हमने बोला कि भैया अब तो ये क्रोमेटेड अलग अलग हो गए अब तो इनको अपन बोलेंगे नहीं सिस्टर अब इनको क्या बोलेंगे क्रोमोसोम बोलेंगे मतलब यहां तो क्रोमोसोम का नंबर डबल हो रहा था इसीलिए फटाफट फड़ से न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और इसीलिए सेल मेम्ब्रेन डिवाइड हुआ दो नए सेल बन गए तो यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ यहाँ पर क्रोमैटिड्स अलग अलग हुए लेकिन मियोसिस वन में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई क्रोमैटिड्स अलग अलग नहीं हुए बल्कि क्रोमोजोम्स ही क्या हो गए दूर दूर हो गए आधे क्रोमोजोम चले गए ऊपर और आधे चले गए नीचे फटाफट से न्यूक्लियस डिवीजन हुआ फटाफट से साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ सेल मेम्ब्रेन यू नो आधी आधी हो गई और अल्टीमेटली क्या हुआ देखो दो नए सेल बन गए तो यहाँ पर क्रोमैटेड अलग अलग नहीं हुए हैं सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं हुए हैं क्रोमोजोम आधे आधे बढ़ गए हैं तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन मियोसिस वन एंड माइटोसिस कि माइटोसिस में क्या होगा माइटोसिस में तो सेंट्रोमियर ही टूट जाते हैं स्प्लिट हो जाते हैं क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं यहाँ पर क्रोमेटिड्स अलग नहीं हुए हैं बच्चों यहाँ पर कोई सेंट्रोमेर नहीं टूटा यहाँ पर क्रोमेटिड्स अलग नहीं हुए हैं यहाँ पर क्रोमोजोम्स ही क्या हो गए ना क्रोमोजोम्स का बंटवारा हो गया है बंटवारा हुआ तभी तो देखो ना क्रोमोजोम्स का नंबर आधा आधा हो गया तेईस आ गए इस सेल में तेईस रहेगा उस सेल में जब बंटवारा होता है बेटा जब डिविजन होता है तो नंबर कम हो जाता है ना क्वान्टिटी कम हो जाती है कि सपोज मम्मी मुझे जो है एक चॉकलेट दो चॉकलेट दे रही थी इतने में क्या हुआ मेरी बहन आ गई तब उसको भी चाहिए बंटवारा हो गया तो अब क्या हुआ दो की बजाय मुझे केवल एक चॉकलेट मिली तो क्वांटिटी कम हो गई कि नहीं हो गई तो यहाँ पर भी वही हुआ कि मियोसिस वन में क्रोमोजोम्स क्या होते हैं बट जाते हैं पेरेंट सेल में होते हैं 46 तो आधे आ जाते हैं एक डॉटर सेल में और आधे आ जाते हैं दूसरे डॉटर सेल में अब क्या होगा अब होगी मियोसिस टू जो कि सिमिलर होती है माइटोसिस से यानी कि हर एक सेल में अब होगी मियोसिस टू जो कि होती है माइटोसिस जैसी माइटोसिस में क्या होता है माइटोसिस में वही ये, जो जैसे कि ये एक डॉटर सेल है बेटा ये एक डॉटर सेल है इसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं? इसमें है ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स पे यार नहीं ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम्स और इसमें भी कितने हैं ट्वेंटी थ्री ठीक है जो है ना हर एक सेल के वैसे लेट जाएंगे आकर के ये ये देखो कुछ ऐसे ये जो तेईस क्रोमोजोम देखो मैं सारे क्रोमोजोम यहां पे ड्रॉ करके नहीं बता सकती हूं तेईस में ड्रॉ नहीं कर सकती हूं एक ही दिखाया जा रहा है जो कहानी एक क्रोमोजोम की वही कहानी बाकी के बाईस क्रोमोजोम्स की भी होगी तो ये देखो ये क्रोमोजोम्स आकर के बेटा कुछ इस तरीके से ऐसे लेट जाते हैं ये दोनों सेल की बात हो रही है बेटा ये मत समझना यहाँ पर केवल एक ही सेल की बात हो रही है ठीक है ना दोनों सेल में एक्जैक्टली यही होगा इसमें भी और इसमें भी ठीक है ये क्रोमोजोम आकर के ऐसे लेट जाएंगे ये बिल्कुल ही रिलैक्स करेंगे चिल करेंगे इतने में क्या होगा वही फाइबर्स आकर के जुड़ जाएंगे ये देखो ऐसे ये फाइबर्स आकर के जुड़ जाएंगे अब जब ये फाइबर्स आकर के जुड़े बेटा अब क्या होगा अब ये फिर से जो सेंट्रोमियर है ना उसको पकड़ करके खींचेंगे कि तुम अब टूटो मियोसिस वन में तो सेंट्रोमियर टूट नहीं पाया था क्रोमेटिड अलग अलग हो नहीं पाए थे उल्टा क्रोमोजोम्स ही क्रोमोजोम्स भी लाई अच्छा हमको वहाँ बुला रहे हो ठीक है हम यहाँ जाते हैं आधे क्रोमोजोम्स बोले अच्छा तो हमको वहाँ बुला रहे हो ठीक है हम यहाँ जाते हैं तो मियोसिस वन में क्रोमेटिड अलग नहीं हो पाए थे सेंट्रोमियर टूट नहीं पाए थे तो इस बार ये जो फाइबर्स जाइन ने बोला कि इस बार तो हम क्या करेंगे सेंट्रोमियर को तोड़ के ही रहेंगे क्रोमेटिड्स को अलग करके ही रहेंगे तो जरा इस सेल में देखो क्या होगा इस सेल में इस सेल में देखो ये फाइबर ये सेंट्रोमियर को तोड़ दिया जाएगा स्प्लिट हो जाएगा सेंट्रोमियर और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटेड एक क्रोमोजोम के दोनों सिस्टर सिस्टरक्रोमेटेड अपना अपना सेंट्रोमियर का हिस्सा लेकर के अलग हो जाएंगे एक क्रोमेटिड आ जाएगा ऊपर और दूसरा आ जाएगा नीचे अपना अपना सेंट्रोमियर का हिस्सा लेकर के ये अलग अलग हो जाएंगे ऑपोजिट एंड्स पर आ जाएंगे सेल के अब जो कहानी एक क्रोमोजोम की है बेटा वही कहानी बाकी बाईस क्रोमोजोम्स की भी होगी है ना यानी कि अब क्या हो रहा है जो तेईस क्रोमोजोम्स हैं उनके क्रोमैट्रेड उनके जो सेंट्रोमियर हैं वो स्प्लिट हो रहे हैं सिस्टर क्रोमैट्रिड्स अलग अलग हो रहे हैं सिस्टर क्रोमैटिक्स अलग अलग हो रहे हैं मतलब कि अब सेल के ये वाले एंड पर आ जाएंगे कितने क्रोमैटेड और यहां पर भी आ जाएंगे तेईस क्रोमैटिक्स लेकिन क्या अब इनको हम क्रोमैटेड बोलेंगे सिस्टर नहीं नहीं क्यों इनके पास अपना अपना सेंट्रोमियर है नहीं है कि तो क्या बोलेंगे इनको हम अब क्रोमोजोम बोलेंगे बेटा क्रोमैटिक्स तो अपन तब बोलते हैं ना सिस्टर जब ये आपस में जुड़े हुए हो जब ये बेटा अलग हो जाएंगे तो फिर कहेगी सिस्टर क्रोमैटिक्स इनका अपना अपना क्या है सेंट्रोमियर है तो अब इनको अपन क्या बोलेंगे क्रोमोजोम बोलेंगे तो बेटा तेईस क्रोमोजोम आ जाएंगे ऊपर तेईस क्रोमोजोम आ जाएंगे नीचे फटाक से क्या होगा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा पूरा का पूरा सेल डिवाइड करेगा और अल्टीमेटली बन जाएंगे क्या दो नए सेल और दोनों सेल में कितने कितने क्रोमोजोम्स आ जाएंगे बताओ दोनों सेल में कितने कितने क्रोमोजोम आ जाएंगे बेटा तो बोला ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री इसमें भी होंगे ट्वेंटी थ्री और इसमें भी होंगे ट्वेंटी थ्री तो ये देखो बिल्कुल माइटोसिस जैसे तुमको दिख रही होगी जो माइटोसिस में हुआ है ना वही चीज मियोसिस टू में भी हो रही है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा क्रोमेटेड अलग जा हो जाएंगे आधे क्रोमेटेड ऊपर आधे क्रोमेटेड नीचे अब इन क्रोमेटेड को अपन क्या बोलेंगे क्रोमोसोम्स बोलेंगे तो तेईस क्रोमोसोम ऊपर पर क्रोमोसोम नीचे फटाफट फड़ से न्यूक्लियस डिवाइड करेगा साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और अल्टीमेटली दो डॉटर सेल बन जाएंगे जिसमें कि हर एक सेल के न्यूक्लियस में तेईस क्रोमोजोम होंगे ये कहानी थी इस वाले सेल की ये डॉटर सेल की भी वही कहानी होगी इसकी भी वही कहानी होगी कि क्रोमैटेड जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे आधे क्रोमैटेड जाएंगे ऊपर आधे जाएंगे नीचे अपना अपना सेंटर लेकर के यानी कि अब इनको अपन क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे इनको अपन क्रोमोजोम बोलेंगे फिर इसके बाद में अल्टीमेटली दो नए सेल बन जाएंगे लाइक like दैट जिनमें कि तेईस तेईस क्रोमोजोम्स आ जाएंगे ठीक है ये देखो तेईस तेईस क्रोमोजोम आ जाएंगे अब ये जो 23, 23 बेटा क्रोमोसोम्स वाले जो आपको नए सेल दिख रहे हैं कितने चार एक दो तीन चार इन्हीं को हम बोलते हैं गैमीट्स यही तो है गैमिट्स और इसीलिए तो अपन बोलते हैं कि गैमिट्स में क्रोमोजोम्स का नंबर आधा हो जाता है जैसे हमारी बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं 46 आप एक स्पर्म उठा लो आप एक ओवम उठा लो उसके न्यूक्लियस में आपको मिलेंगे 23 23 ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स ये क्रोमोजोम्स का नंबर आधा क्यों हुआ क्योंकि बनते कैसे हैं गैमिट्स मियोसिस से और मियोसिस में क्या होता है क्रोमोजोम्स का नंबर आधा हो जाता है लाइक like दिस ठीक है तो ये बेटा जो चार नए सेल बने हैं इनको अपन क्या बोलेंगे गैमिज बोलेंगे तो यहां पर मैं अब ये पॉइंट ऐड करना चाहती हूं कि इन माइटोसिस एक सेल से दो नए सेल बनते हैं इन केस ऑफ मियोसिस एक सेल से चार नए सेल्स बनते हैं और उन चार नए सेल्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों बोलेंगे तो माइटोसिस में क्या होता है एक सेल से दो नए सेल बनेंगे मियोसिस में एक सेल से देख लो ये मियोसिस हो रही थी ये मियोसिस हो रही थी पहले दो नए सेल बने फिर में मियोसिस टू हुई तो देखो अल्टीमेटली चार नए सेल बन गए और इन चारों नए सेल को अपन क्या बोलेंगे गैमीट्स बोलेंगे क्लियर है चलो अब अपन रीड करते हैं कि एन क्या बोलती है न्यू सेल्स आर फॉर्मड इन इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो एंड टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स कि नए सेल्स क्यों बनते हैं ऑर्गेनिज्म में ताकि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो ग्रो कर पाए पुराने मरे हुए या इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस कर पाए एंड टू फॉर्म गैमीड्स फॉर रिप्रोडक्शन द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल्स विजन दो तरह से होती है माइटोसिस एंड मियोसिस द प्रोसेस ऑफ सेल डिजन बाय विच मोस्ट ऑफ़ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस जैसे कि इंसान बड़ा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा उसकी स्किन की भी क्या होनी चाहिए ग्रोथ होनी चाहिए स्किन की ग्रोथ के लिए नए स्किन के सेल्स आने चाहिए तो वहां पर क्या होगा माइटोसिस होगी इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल या जिसको अपन पेरेंट सेल बोल रहे थे एनसीआर उसको मदर सेल बोलती है डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स डॉटर सेल्स है सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेल आपको देख लो कि माइटोसिस में जो पेरेंट सेल था जो मदर सेल था उसमें कितने क्रोमोजोम्स थे फोर्टी सिक्स है ना फोर्टी सिक्स और जो डॉटर सेल्स बने उनमें भी कितने क्रोमोजोम्स आ गए फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स है ना तो क्रोमोजोम्स का नंबर बेटा सेम रहता है इन माइटोसिस देन इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज एंड इन मतलब बेसिकली यहाँ पर आपको माइटोसिस का सिग्निफिकेंस बताया जा रहा है कि माइटोसिस में क्या होता है जो नए सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है और माइटोसिस होती क्यों है टिश्यूज अगर डैमेज हो गए तो उनकी जगह पे नए टिश्यूज आने के लिए सेल्स लाने के लिए ग्रोथ के लिए है ना तो उस केस में होता है माइटोसिस स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमिट्स

द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स देन डेड ऑफ द मदर सेल्स की एक जो गैमिट प्रोड्यूसिंग सेल था उसमें फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स थो चार नए सेल्स जिनको अपने गैमिट्स नाम दिया उनमें क्रोमोजोम्स का नंबर आधा हो गया सो कैन यू थिंक एज टू वाई द क्रोमोजोम नंबर हैज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इन डॉटर सेल्स आपको क्यों लगता है कि गैमिट्स में जो क्रोमोजोम्स का नंबर है वो आधा क्यों हुआ है क्योंकि बेटा आगे जाकर के यही मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज होने वाले हैं और मिलकर क्या बनाएंगे Zygote. और उस जायगोट के न्यूक्लियस में मेल गैमिट के भी 23 थ्री आएंगे और फीमेल गैमिट के भी ट्वेंटी मतलब थ्री जाएंगे? जाएंगे और फिर उसी में क्या होगा माइटोसिस नए सेल बनेंगे और हर एक सेल के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोजोम रहेंगे इसीलिए जो गैमिट बनते हैं उनमें क्रोमोजोम का नंबर आधा आधा हो जाता है

जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोजोन्स का नंबर कांस्टेंट रहे इसीलिए गैमिट्स में म्यूस मतलब गैमिट्स होते हैं म्योसिस से जिसमें कि क्रोमोजो का नंबर हाफ हो जाता है गैमिट्स में तो देखो अब ऐसा है कि सेल डिवीजन का जो टॉपिक है अपना वो तो हो गया कवर अब हम आ जाते हैं अपने आज के सेशन के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर एंड दैट इज प्लाज्मोलिसिस ठीक है प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है आ जाओ मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ मुश्किल से पाँच से दस मिनट का ये कॉन्सेप्ट है अच्छा देखो जब अपन प्लाज्मोलिसिस की बात करते हैं ना तो यहां पर आपको तीन तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं एक होता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल एक होता है फ्लेसिड सेल और एक होता है टर्जिड सेल ये तीन तरह के सेल्स का क्या मतलब है मैं आज आपको समझा दूंगी क्योंकि कई बार एग्जाम में सवाल आ जाता है कि टर्जिट सेल का क्या मतलब है फ्लैट सेड सेल का क्या मतलब है है ना प्लाज्मोलाइज्ड सेल का क्या मतलब है तो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ठीक है देखो क्या तुम लोगों को आइसोटोनिक हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का कॉन्सेप्ट याद है बेटा याद होना चाहिए है ना ये नहीं हो कि आगे पाठ और पीछे सा पाठ किया आगे आगे का पढ़ते जा रहे हैं और पीछे पीछे का भूलते जा रहे हैं भूलना नहीं है, है ना सब चीजें अपन को याद रखनी होती है देखो हमारे पास एक बीकर है उसमें हमने एक सल्यूशन डाल दिया है सल्यूशन ठीक है और इस सल्यूशन में हमने एक सेल डाल दिया है क्या चीज सेल अब देखो बात क्या है बात यह है कि सेल को आपने जिस सोल्यूशन में डाला है उसमें पानी है पानी सॉल्वेंट के फॉर्म में है, है ना तो क्या है पानी है सेल को आपने जिस सल्यूशन में डाला है उस सल्यूशन में पानी है और खास बात क्या है कि जो सेल आपने डाला है सोल्यूशन में बेटा उस सेल के अंदर भी पानी है सेल के बाहर भी पानी और सेल के अंदर भी पानी और एक अच्छी बात बताए क्या है जिस सेल को आपने सल्यूशन में डाला है या मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि जिस सोल्यूशन में आपने सेल को डाला है बेटा वो सोल्यूशन है आइसोटोनिक सल्यूशन आइसोटोनिक सोल्यूशन अब ये आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ इसलिए मैं पूछ रही थी कि आइसोटोनिक हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो याद है कि नहीं है याद होना चाहिए भूलना नहीं है अपन को ठीक है तो मुद्दा क्या है मुद्दा ये है कि जिस सोल्यूशन में आपने सेल को डाला है वो क्या है एक आइसोटोनिक सोल्यूशन है आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है देखो सेल के अंदर भी पानी है सेल के बाहर भी पानी है लेकिन कितना तो हमने बोला कि भाई जितना पानी सेल के अंदर है ना एग्जैक्टली exactly उतना ही पानी सेल के बाहर जो सल्यूशन है उसमें है ये तो एक फैक्ट है कि सेल के अंदर भी पानी सेल के बाहर भी पानी लेकिन जितना पानी सेल के अंदर है एग्जैक्टली exactly उतना ही पानी सेल के बाहर भी है सल्यूशन में तो अब बताओ क्या यहाँ पर पानी का मूवमेंट होगा क्योंकि जितना पानी सेल के अंदर है एग्जैक्टली exactly उतना ही पानी सेल के बाहर भी है सोल्यूशन में सॉल्वेंट के फॉर्म में तो क्या यहाँ पर पानी का मूवमेंट होगा हाँ होगा बिल्कुल होगा बेटा यहीं पर तो बच्चे क्या करते हैं आ, वो गलत जवाब दे देते हैं कि नहीं नहीं, नहीं, नहीं मैम यहाँ पर तो कोई पानी का मूवमेंट नहीं होगा यहाँ पर तो कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा क्यों क्योंकि जितना पानी सेल के अंदर उतना ही पानी सेल के बाहर भी तो पानी ना सेल के अंदर जाएगा ना पानी सेल से बाहर आएगा सल्यूशन में खत्म बात अरे नहीं भाई आइसोटोनिक सोल्यूशन में जब हम सेल को डालते हैं ना बेटा तो भी सेल के अंदर पानी जाता है और सेल के अंदर का पानी बाहर निकलता है लेकिन कितना तो हम बोलेंगे बराबरी का कि मान लो एक्स अमाउंट ऑफ वाटर सेल के अंदर गया है तो एग्जैक्टली एक्स अमाउंट ऑफ वॉटर सेल के अंदर का बाहर आएगा जितना पानी सेल के अंदर गया ना बेटा उतना ही पानी सेल के बाहर भी आएगा यानी कि इस केस में हम बोलते हैं कि नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जीरो होता है नेट का मतलब समझते हो ना टोटल टोटल तो टोटल तो, 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 तो जीरो हो ही गया ना कि एक्स अमाउंट का पानी सेल के अंदर गया था और एक्स अमाउंट का पानी सेल के बाहर भी आ गया तो नेट मूवमेंट क्या हो गया जीरो हो गया ये मत बोला कि मूवमेंट होगा नहीं अरे बिल्कुल होगा आई सोल्यूशन में भी क्या होता है बेटा पानी का मूवमेंट होता है लेकिन जितना पानी सेल के अंदर जाता है एग्जैक्टली exactly उतना ही पानी सेल के बाहर भी निकल आता है तो अपन बोलते हैं कि नेट मूवमेंट क्या है जीरो है और क्योंकि नेट मूवमेंट जीरो है यहां पर पानी का तो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है है ना सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपने ऊपर एस कोई भी प्रेशर जो है अंदर की तरफ से फील नहीं करेगी बे बेटा यहाँ पर हम जिस सेल की बात कर रहे हैं ना पहली बात तो ये है कि यह है एक प्लांट सेल ठीक है और तुमको तो पता है कि प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है सेल वॉल उसके अंदर क्या होती है सेल मेम्ब्रेन, है ना? यहाँ पर मैं ड्रॉ करने की जगह नहीं चलो मैं यहाँ बना देती हूँ देखो ये क्या है सेल वॉल ये क्या है सेल मेम्ब्रेन और अब क्योंकि ये प्लांट सेल है तो ऑब्वियसली अंदर क्या होगा सेंट्रल वैक्यूल होगा बड़ा सा और साइड में यहाँ पर न्यूक्लियस को जो है धक्का मार के शिफ्ट कर दिया गया होगा ये ठीक है अब देखो होता क्या है जो अपनी सेल वॉल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कैसी होती है बहुत रिजिड होती है और वहीं जो सेल मेम्ब्रेन है ये मस्त क्या होती है सिर्फ फ्लेक्सिबल होती है तो दिमाग लगाओ अगर सेल के अंदर पानी आएगा अगर सेल के अंदर पानी आएगा तो सेल फूल जाएगा ना भाई अगर तुम एक बलून के अंदर पानी भरोगे बलून फूलेगा और जब बलून फूलता है तो बलून कैसे फूलता है बलून की जो दीवार होती है बेटा उसके ऊपर एक प्रेशर जो है वो अपने आप पर फील करती है अंदर की तरफ से क्योंकि बलून के अंदर जो आपने पानी डाला होता है ना बेटा वो पानी क्या करता है वो पानी जा करके जैसे कि सपोज ये बलून है इसके अंदर आपने क्या करा है आपने इसके अंदर पानी डाल दिया है तो अब ये पानी क्या करेगा जा करके बलून की दीवार पर अंदर की तरफ से क्या करेगा एक प्रेशर लगाएगा एक प्रेशर लगाएगा अंदर की तरफ से यहाँ यहाँ तो जो बलून की जो तो दीवार होगी ना वो बोलेगी कि अरे मुझ पर कैसा प्रेशर पड़ रहा है यार मुझे तो स्ट्रेच करना पड़ेगा क्योंकि अंदर से क्या आ रहा है प्रेशर आ रहा है पानी दम लगा रहा है जोर लगा रहा है दीवार पर बलून की तो बलून की दीवार क्या करेगी बेटा ऐसे फूल जाएगी स्ट्रेच हो जाएगी और जैसे ही बलून की दीवार ऐसे स्ट्रेच हुई तो हम बोलेंगे कि बलून फूल गया तो यहाँ पर भी तो वही केस है यहाँ पर भी वही केस है कि अगर सेल के अंदर यदि पानी आ जाता है तो सेल के अंदर जो पानी आया है बेटा उसके साइटोप्लाज्म में उसके ये आप बोल सकते हो कि सेंट्रल वैक्यूल में तो वो पानी क्या करेगा आकर के सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ से उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा ना पानी आकर के क्या करेगा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक ऐसे प्रेशर लगाएगा और प्रेशर के चक्कर में क्या होगा क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो कैसी फ्लेक्सिबल है तो सेल मेम्ब्रेन पर क्योंकि प्रेशर लगेगा अंदर की तरफ से तो वो ऐसे बाहर निकलने की कोशिश करेगी जैसे कि ये बलून की दीवार करती है और इस बाहर निकलने की कोशिश में क्या होगा बेटा बाहर निकलने की कोशिश में होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना ये ऑलमोस्ट जाकर के सेल वॉल से चिपक जाती है क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रहा है अंदर की तरफ से प्रेशर आ रहा है पानी जो है ना डाल रहा है प्रेशर पानी कहाँ से आया है पानी बाहर से सेल के अंदर आया है और सेल के अंदर अब सेल के अंदर जब पानी आता है तो वो पानी क्या करेगा आकर के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अंदर की तरफ से प्रेशर लगाएगा और इस प्रेशर की इसको अपन टर्गर प्रेशर बोलते हैं ठीक है ठीके? और इस प्रेशर के कारण क्या होगा सेल मेम्ब्रेन ऐसे पीछे 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 होगी और ऑलमोस्ट सेल वॉल से जाकर के ऐसे चिपक जाएगी तो हमको सेल कैसा लगेगा फूला फूला लगेगा जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा टर्जिट सेल बोलते हैं ये तुमको मैं पहले भी बता चुकी हूँ टर्जिट सेल की कहानी कि सेल फूल जाता है वो जो अपन बोलते हैं ना कि प्लांट के जो एरियल पार्ट्स हैं वो पार्ट्स जो मिट्टी के ऊपर होते हैं वो ऐसे खड़े कैसे रहते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी जाकर के इतने अपराइट इतने इरेक्ट कैसे पोजिशन पर खड़े रहते हैं क्योंकि जो एरियल पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के उनमें जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं टर्जिट सेल होते हैं वो ऐसे फूले फूले से सेल्स होते हैं तो इस फूलने फूलने के कारण क्या होता है ना मतलब आप खुद ही सोचो ना कि आपके पास एक बड़ा बलून है उस बड़े बलून में जितने भी आपने छोटे बलून डाले हैं वो सब फूले हुए हैं तो इवेंचुअली क्या हुआ बड़ा बलून भी फूल जाएगा और ऐसे कड़क हो जाएगा रिजिड रिजिड हो जाएगा है ना तो यहाँ पर भी होता है कि प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं उनमें जो सेल्स होते हैं वो ऐसे टर्जिड सेल्स होते हैं ऐसे फूले फूले से सेल्स होते हैं जिसके कारण एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाती है Aerial parts को और वो erect पोजिशन में खड़े रहते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी जा करके आई बात समझ में चलो तो ये हो गया बेटा क्या टर्जिट सेल अच्छा टर्जिट सेल एक सेल टर्जिट सेल कब बनेगा जब उसको आप कहाँ रखोगे एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है जिसमें कि पानी सेल से ज़्यादा होता है तो सेल के बाहर पानी सेल के अंदर पानी लेकिन सेल के बाहर ज्यादा पानी है तो वो पानी क्या करेगा Endosmosis से सेल के अंदर जाएगा अब अगर सेल के अंदर पानी आ जाएगा तो क्या करेगा अंदर से आकर के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर लगाएगा जिसके कारण सेल मेम्ब्रेन जाकर के सेल वॉल पर ऐसे चिपक जाएगी क्या हुआ हाँ सेल मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल के ऊपर जाकर के ऐसे चिपक जाएगी और सेल जो है हमको ऐसा फूला फूला सा नजर आएगा कुछ इस तरीके से ये देखो इसको अपन बोलेंगे टर्जिट सेल ठीक है लेकिन जब अपन बात करते हैं बेटा आइसोटोनिक सोल्यूशन की तो क्या हो रहा है जितना पानी सेल के अंदर है उतना ही मतलब जितना पानी सेल के अंदर आ रहा है उतना पानी सेल के बाहर भी जा रहा है तो नेट मूवमेंट क्या बनी हुई जीरो बनी हुई है और इस नेट मूवमेंट ऑफ वाटर के जीरो होने के कारण जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपने ऊपर कोई ऐसा प्रेशर फील नहीं करती है भाई जब पानी अंदर ज़्यादा आए हैं जब पानी अंदर ज़्यादा आए सेल के तो सेल के अंदर पानी ज़्यादा हो जाएगा और वो पानी क्या करेगा जाकर कि सेल के सेल के ऊपर प्रेशर लगाएगा जिसके कारण सेल जो है ऐसा फूल जाएगा टर्जिड हो जाएगा लेकिन आइसोटोनिक में डालने से क्या होता है जितना पानी सेल के अंदर गया उतना ही पानी सेल के बाहर भी आ जाएगा तो एसच सेल के अंदर पानी की क्वांटिटी चेंज नहीं होती है जिसके कारण सेल मेम्रिन अपने ऊपर कोई भी प्रेशर फील नहीं करती है तो वो जैसी है वैसी बनी रहती है और ऐसे सेल को अपन फिर अपन क्या बोलेंगे बच्चों फ्लैसिड सेल कि सेल कैसे है अपनी नॉर्मल स्टेट में है ना वो फूला हुआ है ना वो पिचका हुआ है वो नॉर्मल स्टेट में है फ्लैसिड सेल बोलते हैं तर्जड मतलब फूला हुआ फ्लैसिड मतलब कि अपने नॉर्मल शेप एंड साइज में है सेल ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम एक प्लांट सेल को बेटा हाइपरटोनिक सल्यूशन में डाल देंगे एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी है लेकिन वो पानी कैसा है भाई देखो सेल के अंदर भी पानी सेल के बाहर भी सेल के बाहर भी पानी लेकिन हम किस सोल्यूशन में डाल रहे हैं सेल को एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है पानी कम होता है तो सेल के अंदर पानी ज्यादा और जिस सल्यूशन में वो है सेल उसमें पानी कम तो सेल के अंदर का जो पानी होगा ना वो बोलेगा कि अरे अरे मैं तो जहां पर हूं वहां पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और बाहर जो सोल्यूशन है वहां पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है तो मुझे अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आना पड़ेगा आना पड़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होता है अल्टीमेटली सेल के अंदर का जो पानी होता है ना सेल के अंदर का जो पानी होता है वो वो बाहर आ जाता है Osmosis, हो जाता है। केस ऑफ हाइपरटोनिक सोलूशन सेल के अंदर का पानी बाहर आ जाता है ठीक है तो वैसे में क्या होगा मान लो कि अगर आपने एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सल्यूशन में डाला है तो प्लांट सेल के अंदर का जो पानी है बेटा उसके साइटोप्लाज्म में है ना और ये जो उसका सेंट्रल वैक्यूल होता है सेंट्रल वैक्यूल में बेटा क्या होता है सेल सेप भरा होता है सेल सेप में क्या होता है पानी वगैरह होता है कि नहीं होता है तो, तो जब आप एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोलूशन में डालोगे तो प्लांट सेल के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में उसके सेंट्रल वैक्यूल में जो पानी भरा होगा बेटा वो क्या होगा एग्जॉस्ट से बाहर आ जाएगा अब सेल वॉल तो कैसी होती है सेल वॉल तो रिजिड होती है वो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए सेल के अंदर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है सेल मेम्ब्रेन तो बेटा फ्लेक्सिबल होती है ना सेल मेम्ब्रेन ये देखती है कि भाई सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसका पानी बाहर निकल रहा है यानी कि सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो श्रिंक हो, हो रहा है वो कम हो रहा है तो उस चक्कर में क्या होता है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी श्रिंक हो जाती है देखो कुछ इस तरीके से ये देखो ये दिख रही है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये देखो किस तरीके से देखो ये अंदर की तरफ देखो ऐसे श्रिंक हो रही है ये ये तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है है ना ये फ्लैसिड सेल है बाकायदा सेल वॉल ठीक है सेल मेम्ब्रेन ठीक है लेकिन यहां पर देखो क्या हुआ है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन बेटा अंदर की तरफ खिंचती चली जा रही है कुछ कुछ जगहों पर अभी भी देखो ये सेल वॉल से चिपकी हुई है ऐसा नहीं कि पूरे तरीके मेम्ब्रेन अंदर चली गई है अभी भी कुछ कुछ जगह पर ये सेल वॉल से जुड़ी हुई है लेकिन देखो काफी हद तक ये अंदर चली गई है क्यों क्योंकि सेल के अंदर का पानी बाहर निकल के आ गया एग्जॉस्ट से क्योंकि हमने सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म था उसका पानी सेंट्रल वैक्यूल का पानी सब जो है बेटा बाहर आ गया है तो सेल के अंदर का कंटेंट श्रिंक हो गया है और उस श्रिंकेज कारण क्या हुआ है सेल मेम्ब्रेन भी सिकुड़ करके अंदर आ गई क्योंकि वो तो फ्लेक्सिबल है ना बेटा तो वो भी सिकुड़ करके आ गई है तो इसको अपन बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस और ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन का अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो फिर इसको समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है बताओ हुई क्या ज्यादा दिक्कत कि आइसोटोनिक सोल्यूशन में सेल कैसा रहेगा हा? फ्लेसिड हाइपोटोनिक में कैसा हो जाएगा टर्जिड और हाइपरटोनिक में कैसा हो जाएगा प्लाज्मोलाइज्ड सेल कि सेल के अंदर का कंटेंट श्रिंक हो जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन भी क्या करेगी एकदम अंदर की तरफ आ जाएगी श्रिंक होकर अभी भी सेल वॉल से कुछ कुछ जगह पर ये चिपकी रहेगी लेकिन हाँ कई हद तक ये जो है अंदर आ जाती है अपन क्या बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस ठीक है आ जाओ रीड कर लेते हैं प्लाज्मोलिसिस इज अ प्रोसेस बाय विच अ प्लांट सेल लूज वाटर वेन प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन सोल्यूशन द हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट दिन द सेल द एक्चुअल प्रोसेस बिहाइंड दिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर आउटवर्ड ऑसमोसमोस रिजल्टिंग इन द श्रिंकेज ऑफ द एंटायर सेल एज ऑस्मोसिस रिक्वायर जीरो एनर्जी प्लाज्मोलिसिस बिकम्स एन आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस क्योंकि ऑस्मोसिस के लिए कोई एनर्जी तो चाहिए नहीं होती है वो एक पैसिव प्रोसेस है इवन दो एक्सेसिवटर लॉस कैन लीड टू कोलैप्स ऑफ द सेल वॉल दैट्स ऑल बचू आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही आज अपन ने अपने पूरे चैप्टर को द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को हमने पूरा फिनिश कर लिया है हर एक टॉपिक को हमने अपने यू नो लेक्चर में डिटेल में जाके डिस्कस कर लिया है अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में अगले सेशन में हम क्या करेंगे इस चैप्टर के जो इंटेक्स क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा अब हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस फार चला बाय बाय अ ग्रेट डे